हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दार्जिलिंग का थर्ड डे है, तीसरा दिन। और आज हम लोग जा रहे हैं यहीं का लोकल साइट सीइंग करने के लिए, जो कि इसका व्यू मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। और आज है कान्हा का बर्थडे, क्योंकि आज 18 नवंबर है और कान्हा का बर्थडे है आज। तो आज रात में उसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहीं पे। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा बर्थडे पहाड़ों पे करना है, पहाड़ों पे मनाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो अपना बर्थडे पहाड़ों पर सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि मेरा बर्थडे है पहाड़ों पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज स्पेशल बर्थडे होने वाला है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है और हम लोग ने आज खाया आलू का पराठा। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं बाहर। मौजा कोई भी ले लीजिए। हाँ, क्या हुआ? मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। क्या हम लोग नाश्ता वगैरह करके होटल से निकल के हम लोग पहुंच गए हैं जू, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और इसके अंदर जब मैं पहले आई थी तो बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, बट अभी क्या है आई डोंट नो, अंदर जा कर के देखूँगी। और इस जहाँ से मैं अभी आई हूँ इस रास्ते से जू के लिए, तो उस रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। और ये जू के आगे का सीन है, मैं जस्ट जू के आगे ही खड़ी हूँ, गेट के आगे। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ नीचे, तो नीचे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें इस तरह की लगी होती हैं। कहीं भी आप यहाँ पे घूमने वाले जगह पे जाओ तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी इस तरीके की, जहाँ से आप कुछ भी परचेज करो। बार्गेनिंग हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स प्राइस होता है, बार्गेनिंग हर जगह होती है। और ये है जू का रास्ता। और टिकट यहाँ पर 60 रुपीज़ है जू का, और कैमरे का 10 रुपीज़। बट कैमरा मेरे पास है नहीं, मैं तो मोबाइल से शूट करने वाली हूँ, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। और गेट के अंदर घुसते ही बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं अब आ चुकी हूँ जू के अंदर, घुस चुकी हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए अगर आप लोगों को देखना है तो। और यहाँ बीच में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, गोल घेरा करके बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर के सेल्फ़ी ले रहे थे, तो मैंने भी कुछ सेल्फ़ी यहाँ पे ली है अपनी। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे इस तरीके का पूरा रास्ता बना हुआ है, और आपको किनारे पर, मतलब कि जो इस तरीके की नीचे जगह स्पेस बनी हुई है, उसमें जानवर रखे हुए हैं। तो ये, और यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे सारे जानवर एक जैसे ही दिखे, कुछ कुछ अलग थे। बट और बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पेड़ पौधे जानवर यही सब अच्छे लगते हैं ना। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हों वहाँ पर बच्चों का मन काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इतने बड़े स्पेस में बहुत कम जानवर थे, तो उन्हें ढूंढना पड़ता था कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस तरीके से करके ढूंढना पड़ता था, तब जा कर के वो दिखते थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है।
जू तो ख़त्म हो चुका है, बस इतने ही मुझे देखिए। और उसके ऊपर ये आ गया है हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं उसके अंदर का जो चीज़ है वो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल ही मना है अंदर मोबाइल या कुछ भी ले जाना या रिकॉर्ड करना, कुछ भी मना है फ़ोटो खींचना। तो बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं, सांप वाँप, मतलब बहुत सारे पक्षी और उन सब चीज़ों के जो डेड पार्ट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। तो कुछ भी वैसा खास नहीं है देखने लायक। क्या हुआ? वहाँ पे ब्लैक टेल हुआ। ये तो देखे थे ना उस समय में। इसी रास्ते से तो गए थे। इसमें लेकिन नहीं आ रहा है। इसमें नहीं आता, बहुत छोटा है। बहुत छोटा। अभी हम लोग जू में हैं और जू में कुछ खास है नहीं, कुछ भी देखने लायक नहीं है। और पहले जब मैं आई थी तो इससे ज़्यादा मेंटेनेंस था, बहुत कुछ था, बट अभी कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मतलब जंगल वंगल बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ भी मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और आगे देखते हैं कहाँ जाना है। तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जू से नीचे उतरते ही मैं यहाँ शॉप पे रुक गई थी, क्योंकि यहाँ से कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे यहाँ का रेट समझ में नहीं आया और मुझे बार्गेनिंग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ नहीं लिया। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर अपनी खिंचवाते हैं ड्रेस पहन करके, दार्जिलिंग मतलब चाय पत्ती तोड़ते हुए ड्रेस पहन के फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। मैंने नहीं खिंचवाया क्योंकि मेरे पास पहले की फ़ोटो है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उस टाइम मैंने खिंचवाया था और उस टाइम की फ़ोटो मेरे पास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो शूट हो रहा है। और ऊपर आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, इतना ज़्यादा कि मतलब होता है ना कहीं बैठो तो रिलैक्स लगता है कि हाँ चैन का सांस लिया मैंने। तो यहाँ पर 5-10 मिनट बैठूँगी, उसके बाद यहाँ से निकलूँगी और उसके बाद यहाँ से सीधे जाऊँगी मतलब कि एक और जगह, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको दिखाई देती हूँ कि कहाँ जाना है। तो चलिए, यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है, पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज इन्होंने रखा है, मतलब एक आदमी को चढ़ाने का 50 रुपीज़। जिनको भी मतलब पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है, जो चढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत डर लग रहा था, एक बार मन कर रहा था कि नहीं चढ़ूँ, एक बार कर रहा था कि नहीं चढ़ूँ। और यहाँ पर भी सेम थिंग, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, यहाँ से हम लोगों ने चाय पत्ती वगैरह ली और एक दो चीज़ें और ली यहाँ से। तो क्योंकि
यहाँ की जो वो चीज़ें थी मुझे पसंद आ गई थी, नेकलेस वगैरह, तो वो मैंने ली यहाँ से। और यहाँ पर भी भैया आप यहाँ दार्जिलिंग में हर जगह देखोगे कि शॉप, जितनी भी छोटी छोटी शॉप होती है हर जगह आपको लेडीज़ देखने को मिलेंगी, जेंट्स यहाँ पर बहुत कम, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, नहीं तो मोस्टली आप लेडीज़ को ही देखोगे। और इसमें से मुझे एक दो पसंद भी आए थे। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सोपीस भी मिलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दार्जिलिंग की बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह के माले तो माला तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने इसमें से एक ली है, इसमें से नहीं ली है, मैंने दूसरे से एक ली है, दो ली हैं एक्चुअली, एक ही दो ली हैं, एक जीन्स के ऊपर पहनने के लिए और एक साड़ी के ऊपर पहनने के लिए दो ली हैं मैंने, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें पहनती हूँ। मुझे सारे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे जो मैं अभी उठाई हुई हूँ, तो इसी में मैंने दूसरे सेब का लिया है, स्क्वायर सेब का लिया है। और चलिए तो फिर से चलते हैं, वहाँ देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं ना उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचती थी, एक बार मेरा मन करता था अरे चढ़ लेते हैं, फिर लगती नहीं यार गिर जाऊँगी तो हाथ पर टूट जाएगा, तो पता नहीं मेरा हाँ भी था ना भी था, बट मैं फाइनली नहीं चढ़ी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने खड़े होकर के बहुत टाइम तक देखा इन लोगों को, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए पीस पगोडा और बुद्ध टेम्पल के लिए। और रॉक गार्डन, एक रॉक गार्डन इन लोगों ने नहीं घुमाया, क्योंकि रॉक गार्डन में अभी काम चल रहा है, उधर का रास्ता भी बंद है, लेकिन नहीं तो रॉक गार्डन बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, पार्क है बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पीस पगोडा और बुद्ध टेम्पल। तो ये है बुद्ध टेम्पल जो आपको वाइट सा दिख रहा है, और ये रेड वाइट दिख रहा है, ये है पीस पगोडा। तो बुद्ध टेम्पल आपको पता ही है, बहुत ही हर जगह का बुद्ध टेम्पल जो है वो बहुत अच्छा होता है, और ऑब्वियसली यहाँ का भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको बुद्ध टेम्पल पहले ले चलते हैं, उसके बाद पीस पगोडा जाएंगे। बुद्ध टेम्पल जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी है, और वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा एक अलग सी शांति लगती है, और सीढ़ियाँ तो इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, और जितना दिख रहा है उतना ही नहीं है, इससे और भी ज़्यादा है, वो आगे आगे आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगी। और ऊपर चढ़ने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, चारों तरफ घने घने बड़े बड़े पेड़, हरे भरे पेड़ दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखता है, और बीच में एक वाइट सा बुद्ध टेम्पल, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और यहाँ पे एक अलग सी ही शांति रहती है। तो उतनी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे आए, फिर आपको ये सारा जो दिख रहा है ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं पहले।
लोग बुद्ध टेंपल से निकल करके यहीं बगल में ही जस्ट है पीस पगोडा, तो अब हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही शांति रहती है, बहुत ही शांति रहती है। और इसके अंदर पूरा मतलब जो है दीवारें तो ऑब्वियसली सीमेंट की हैं, बट सीढ़ियाँ वगैरह जो भी आपको दिख रही हो सारी लकड़ी की बनी है। उस पर चलती हूँ ना तो खट खट कर जैसे लगता है कि कुछ खाली खाली सा, तो पूरी लकड़ी की बनी है और बहुत ही ज़्यादा शांति रहता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और बच्चों ने तो यहाँ पे हद ही मचा दी, उनका सारा धुन ही बिगाड़ दिया जो वो बजाते हैं। शांति जिससे मतलब फील होती है उसका बच्चे ने तो पूरा धुन ही बिगाड़ दिया। तो चलिए दिखाती हूँ आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ, मैंने आपको बाहर से दिखा दी हैं, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, बट मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ये हम लोगों का अब साइड सीन हो गया ख़त्म। और गाड़ी वाले भैया जो हैं वो अब हम लोगों को होटल पर छोड़ देंगे क्योंकि इनका टाइम हो चुका है ओवर। एक जगह इन्होंने नहीं किया रॉक गार्डन, क्योंकि इन्होंने बोला कि उधर का रास्ता ख़राब है, अभी काम चल रहा है इसलिए अभी उधर नहीं घुमा सकते। लेकिन रॉक गार्डन वाकई बहुत अच्छा है, मैं पहले घूम चुकी हूँ। और चलिए तो अब होटल चलते हैं। और यहाँ पर मैं होटल पहुंच गई हूं और बाहर से कुछ भी खा करके नहीं आई हूं, तो भूख लग रही है। और अभी मुझे अपना एटीएम का काम करना है क्योंकि मेरा एटीएम काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। मैंने सोचा था कि यहीं पे कर लूँगी क्योंकि यहाँ बगल में ही एसबीआई का एटीएम है, तो वहीं से मेरा काम होना है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ फ़ोन का, फ़ोन जैसे ही आ जाएगा मैं एटीएम का काम करूँगी। उसके बाद कान्हा का आज बर्थडे है तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरा आज बर्थडे है। तो उसके बर्थडे के लिए सारा सामान लेकर के मैं आ चुकी हूँ और अभी जा कर के बस रूम को डेकोरेट करना है। और केक के लिए ऑर्डर दे दिया है, केक भी मतलब आ जाएगा 2 घंटे में, उन्होंने कहा है कि मैं भेज दूँगा, तो 2 घंटे में केक भी आ जाएगा, उसका रूम भी सजाना है। तो बर्थडे ब्लॉग जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको दिखेगा कान्हा का बर्थडे ब्लॉग सेलिब्रेशन। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं एटीएम ठीक करवाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अगर बर्थडे ब्लॉग इसमें सेल डाला तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और तो इसीलिए इस वीडियो को मैं करना चाहती हूँ यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा उसे प्रेस करिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैंने कब वीडियो डाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आप लोगों का दिन अच्छा रहे मैं यही प्रार्थना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग मेरे चैनल के लिए सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए ब्लॉग के साथ, और नया ब्लॉग क्या है वो आप लोगों को पता ही है कि कान्हा का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो नया ब्लॉग उसी पर आने वाला है बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो चलिए देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।